हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है ओरिजिन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th में नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली अभी तक हमने जितने भी चैप्टर किए हैं उसमें कहीं ना कहीं हमने एक ऐसी चीज़ देखी थी जो हम पीछे से करते हुए आ रहे थे। लेट्स सपोज जैसे कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लें, हमने उसको लास्ट क्लासेस में किया था। हम अगर लीनियर इक्वेशन को लें, उसको हमने लास्ट क्लास में किया था। हम पॉलीनोमियल को लें, रियल नंबर को लें, दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव डन ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लासेस, सिमिलरली एज प्रोबेबिलिटी ऑल्सो। बट हियर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सो ट्रिग्नोमेट्री का आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये क्या चीज़ को ये डील आउट करती है, कहाँ इसका यूज होगा, कैसे क्वेश्चंस इसके बनेंगे और किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो बेसिक यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कहाँ पे होती है। सो ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे जो भी यूज़ होगा वो होगा एक आपके ट्राइंगल के अंदर, एंड इन जनरल हम यहाँ पर आपका लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के जो भी हम यहाँ पे फॉर्मुलेस पढ़ेंगे, जो रूल्स पढ़ेंगे, वो सब हम यहाँ पे यूज करेंगे। अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, देयर इज अ हाइपोटेन्यूज, देयर इज अ परपेंडिकुलर एंड देयर इज अ बेस, ओके। ये हमें याद रखना है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस, ये क्लियरली हमें याद रखना है कि हमारे पास ये तीन चीजें आपकी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे पहले अगर हमें यहाँ पे कुछ लेके चलना है, डियर आर आपके यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे कि साइन हो गया आपका, कोसाइन हो गया आपका, टेंजेंट हो गया आपका, बट इनको हम जो शॉर्ट फॉर्म में लेके चलेंगे तो उसको हम साइन, कोस, टेन, कोस सेक, कोसेक, इस तरह से हम लेके चलेंगे। सेकेंड को सेक लेंगे तो इस तरह से हम लेकर आपका यहाँ पे चलेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। लेट्स सपोज अगर हम थीटा ये वाला एंगल लेते हैं तो नीचे वाला बेस हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। सो ये बड़ी हमारी कंफ्यूजन वाली बात होती है कि थीटा अगर हमें लिया है तो चेंज क्या हुआ। जब हम थीटा लेते हैं तो उसके साथ लगी हुई साइड आपका बेस बन जाती है और उसके सामने वाली साइड आपका परपेंडिकुलर बन जाएगी। सो जब वो परपेंडिकुलर बन जाएगी तो हमारे पास क्लियरली तीन साइड्स हो जाएंगी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस, ओके। नाउ अगर हम यहाँ पे करेंगे साइन, कोस, टेन, कोस, सेक, कोसेक, अब हम इसको कैसे करने वाले, देखिए एक जनरली एक फॉर्मूला आपको करा, पहले तो आपको ये ऑर्डर ऐसे ही याद करना है, अभी नहीं आगे के लिए भी ये ऑर्डर ऐसे ही याद करना है। वो क्यों, क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है याद करने का? यस है, लेकिन हम जिस तरह से आपको कराने वाले हैं उसमें यही ऑर्डर हम फॉलो करते हुए चलेंगे। आपकी मर्जी, आप इस ऑर्डर को लें या बाकी को लें, दैट इज ओनली अप टू यू, बट हम इसी ऑर्डर में कराएंगे आपको। यहाँ पर साइन, कोस, टेन, कोस, सेक, कोसेक, देखिएगा ओके, नाउ पी बी पी एच एच बी, याद करने के बहुत सारे मेथड हैं, लाइक पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, मर्जी आपकी, कैसा भी आपको याद करना है, ठीक है, ओनली अप टू यू, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, क्लियर हो गया, पी बी पी एच एच बी मतलब इससे। लेकिन रेशियोज का क्या रिलेशन है इससे? रेशियोज का रिलेशन है, पहला आएगा आपका पी अपॉन एच, perpendicular upon hypotenuse will be the ratio sign, okay. अगला आएगा b upon h, next आएगा perpendicular upon base, ठीक है, this is 1, this is 2 and this is 3, now 4th, यहां पर फिर 5th and फिर 6th, that is b upon p and that is h upon b and that is h upon p. तो हमने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने कर लिए हैं, साइन, कोस, टेन, कोस, सेक, कोसेक, हमने कर लिया है कि इनके फॉर्मुलेज क्या बनेंगे, दैट इज पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, जो भी बनेगा। यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से हमने वो चीज वहां पे आपकी कर ली है। नाउ वी नो अबाउट दीज थिंग्स कि ये कैसे निकलने वाला है। इसके साथ ही हमारे कुछ फॉर्मुले भी बन गए यहाँ पे, जैसे कि साइन और कोसेक ये एक दूसरे के आपके रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा, और यहां पे कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा,
इसी तरह से कॉस और सेक का पेयर है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/sec थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। सिमिलरली टेन थीटा हो जाएगा आपका 1/cot थीटा, एंड cot थीटा आपका हो जाएगा 1/tan थीटा। लेकिन टेन थीटा का एक और फॉर्मूला बनता है जो होता है आपका sin θ/cos θ। तो cot का उसका रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज cos θ/sin। सो फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज वी जस्ट नीड टू डू दीज थिंग्स। ओके, क्लियरली जब हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ये चीज़ क्या हो रही है, तब हम आगे बढ़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू द एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, इन एग्जाम्पल नंबर 1 इट इज गिवन टू यू 10A = 4/3। एक ट्रायंगल बनाया गया है, कुछ इस तरह से AB and C। ओके, यहाँ पे इसने कहा 10A = 4/3, आपको बाकी सब रेशियो निकालने हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 10A = 4/3, बाकी सब रेशियो निकालने हैं। अब मैं अगर आपसे कहूँ भाई 10A आने पर मैं क्या निकाल सकता हूँ, एटलीस्ट वन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे यस वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। अगर मेरे पास 10 है तो मैं cot निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से cot A कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/10A, दैट इज 1/4/3। देखिए 1 यहाँ पे कंप्लीट नंबर है, तो कंप्लीट नंबर को हम लिख सकते हैं 1/1, अंदर वाले की मल्टीप्लाई अंदर होती है, बाहर वाले की बाहर, इट विल बी 3/4। और रेसिप्रोकल है तो इंटरचेंज होके आपका होना ही है वो चीज़। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें आगे कैसे करें, हम साइन कैसे निकालें, कोसेक कैसे निकालें, सेक कैसे निकालें, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें एक छोटी सी चीज़ करनी पड़ेगी। देखिए 10 होता क्या है आपका, 10 आपका होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, इसको यहाँ रेशियो में ले लीजिए 4K और 3K के रेशियो, 4x और 3x का रेशियो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, K हम यहाँ पे रेशियो में मोस्टली लेते हैं तो K ही ले रहे हैं। नो, परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा 4K और बेस आपका आ जाएगा 3K। क्लियर, नाउ हमें हाइपोथेनस निकालना है, सो हम निकाल सकते हैं इन ट्रायंगल ABC ओके बाय पाइथागोरस थ्योरम। एंड व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोथेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोथेनस वी डोंट हैव, वी हैव टू फाइंड द AC वैल्यू, परपेंडिकुलर इज 4K एंड दैट इज 3K। क्लियर, समझ में आया इतना? नाउ व्हाट विल बी हैपन नेक्स्ट, AC² = 4K² था, 16K² एंड हमारा AC² = 16K² 3K आपका आ जाएगा 9K² AC² दैट विल बी आपका कितना आएगा आपका 25K² फिर स्क्वायर रूट करेंगे, बिकॉज हमें AC² नहीं चाहिए, हमें AC चाहिए, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करेंगे तो AC का स्क्वायर का तो AC आ गया एंड यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर रूट कर लिया। सो 25 का आ जाएगा 5, द वैल्यू ऑफ AC विल बी 5K। ओके, हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने थे, 10 था, cot निकल गया था, साइन क्या आएगा, साइन, cos क्या आएगा, sec क्या आएगा, cosec क्या आएगा, ये हमें निकालना है। साइन क्या है, साइन था हमारा P upon H, cos क्या था हमारा B upon H। अब देखिए अगर हमारा cos और साइन निकल गया तो हम साइन का रेसिप्रोकल cosec निकाल सकते हैं और cos का रेसिप्रोकल sec निकाल सकते हैं, अदरवाइज उनका भी हमारे पास मेथड है, उससे भी निकाल सकते हैं। तो P upon H दैट विल बी 4K upon 5K, 4/5। इसी तरह से cos का निकालेंगे, cos होता है B upon H, बेस अपॉन हाइपोथेनियस, दैट विल बी 3K upon 5K, के से K कट जाएगा, दैट विल बी 3/5। अगर मैं sec निकालना चाहूँ, sec, तो उसको मैं H upon B से निकाल सकता हूँ बिल्कुल, अदरवाइज मैं इसको 1/cos से भी निकाल सकता हूँ। सो वो कितना आएगा 5/3, इसका रेसिप्रोकल 1/sin
एंड इसका रेसिप्रोकल आएगा 5/4। सो इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था और हमने बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो निकाले हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया आपको यहां पे? इफ बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, यू नीड टू प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ओके, सो हम क्या करने वाले हैं यहां पे, दिस इज एग्जांपल नंबर 2। ये थोड़ा अजीब सा ही क्वेश्चन है, मतलब अभी स्टार्टिंग में जब हम लेके चले उस हिसाब से, बट क्योंकि हम पैटर्न को उसी को 1, 2, 3 फॉलो कर रहे हैं, तो पहले सेकेंड एग्जाम्पल कराएंगे इसके साथ। यहाँ पे आपका पी क्यू एंड आर, ठीक है, एक्यूट बताया था यहाँ पे, तो एक्यूट हमने बना लिया इनको। फिर इसने कहा है आपका यहाँ पे कि साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू है, दैट इज गिवन टू यू, साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू, दिस इज द थिंग दैट इज गिवन टू यू। ओके, नाउ हमें एंगल बी और एंगल क्यू को हमें इक्वल प्रूफ करना है। अब कोई भी दो ट्रायंगल के एंगल्स हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं अगर हम देखेंगे, तो इस क्लास में और पिछली क्लास में दो चीज़ें पढ़े हुई हैं, तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्रायंगल्स देखे थे, हमने कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स देखे थे, हमने सिमिलर ट्रायंगल्स देखे थे। तो वो दो मेथड को अगर हम लगा के कहीं चलें तो हम ज़रूर प्रूफ कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे देखते हैं, पहले हम साइन बी निकालेंगे। साइन बी, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, परपेंडिकुलर विल बी ए सी, हाइपोथेनियस विल बी ए बी। सिमिलरली साइन क्यू अगर मैं निकालूंगा, परपेंडिकुलर विल बी पी आर एंड हाइपोथेनियस विल बी पी क्यू। क्लियरली आया, इट इज गिवन टू यू। ओके, हमने यहां से सोल्यूशन स्टार्ट किया, हम लिख सकते हैं साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू। Why? Because it is given to you in the question. So AC upon AB is equals to PR upon PQ. आया समझ में ये? दोनों को हमने इक्वल लग दिया आपका इस तरह से, ठीक है। नाउ हम इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है करने की। ट्रिक क्या है? आप कोई भी दो ट्रायंगल है उनकी एक कोई साइड्स को एक साथ लेके आइए, मतलब पहले वाले एक ट्रायंगल की साइड, फिर अपोन में दूसरे ट्रायंगल की साइड। बट यहाँ पे तो दोनों ए आपकी एक ही ट्रायंगल की थी, तो हम यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं ए सी अपोन पी आर, पी आर को इधर लेके आए, ए बी को उधर लेके चले गए, ए बी अपोन पी क्यू, और लेट कर रहे हैं हम यहाँ पे लेट दिस इज के और दिस इज समथिंग एल्स। ओके, क्लियरली समझ में आ गया आपको? जी। नाउ हम अगर देखें, हमारे पास AC और PR का एक रिलेशन है एंड हमारे पास AB और PQ का एक रिलेशन है। व्हाट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ BC, वी डोंट हैव वैल्यू ऑफ RQ, तो BC कैसे निकलेगा? BC इज इक्वल्स टू, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, दिस इज अ बेस, बेस कैसे निकलता है? हाइपोथेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ओके, सिमिलरली यहां पे लिख सकते हैं हम इस चीज को बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, नाउ बीसी निकल के आ गया, ऐसे ही आर क्यू निकाल सकते हैं, आर क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट, अगेन दिस इज अ बेस, हाइपोथेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सो दैट विल बी पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। क्लियरली आया समझ में आपको? जी। जिस तरह से यहाँ पे था, मतलब पहले वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन दूसरे ट्रायंगल, यहाँ पे भी यही करने वाले हैं हम। तो अगर मैं करूँ बी सी अपॉन आर क्यू, दैट विल बी अंडर रूट, बी सी अपॉन आर क्यू अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, दिस इज पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओके, नाउ अगर मैं आपसे यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ अगर मैं पूछूँ, अगर मैं यहाँ पे ए बी की कोई वैल्यू रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या रख सकता हूँ? देखिएगा ज़रा, रख सकता हूँ मैं ए बी की के इंटू पी क्यू। एक बार ध्यान से देखेंगे, क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे? के इंटू ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, इधर मल्टीप्लाई के पी क्यू। तो यहाँ पे इसको अगर आपको लेना है, इसको इक्वेशन वन ले लीजिए, ठीक है, एंड फिर आप इसको यहाँ पे दिखा दीजिएगा, ए बी की जगह के पी क्यू का स्क्वायर
माइनस एसी की जगह क्या लेंगे हम, के पी आर का स्क्वायर, नीचे एज इट इज रहेगा आपका पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियरली आया समझ में? नाउ ऊपर आपका आएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ऊपर से देखिए दोनों से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है आपका, दैट विल बी के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। नाउ के जो स्क्वायर रूट के अंडर था वो के स्क्वायर था, वो बाहर आके आपका के आ जाएगा एंड दैट विल बी अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। सो दैट विल बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड एंड दैट विल बी के। सो अगर हम इक्वेशन वन देखें उसमें भी दो वैल्यूज आपकी के इक्वल आई थी एंड हे इट इज, ये क्या था आपका बी सी अपॉन आर क्यू, बी सी अपॉन आर क्यू, बी सी अपॉन आर क्यू। सो दैट इज बी सी अपॉन आर क्यू भी उसके इक्वल आया है। सो क्या लिख सकते हैं हम यहां पे, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन आर क्यू। अगर हम सिमिलैरिटी पे जाएं तो वहां पे हमने देखा होगा एक चीज कि अगर हमारी तीनों साइड्स आपके सेम प्रोपोर्शनल में, सेम प्रोपोर्शन में है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। सिमिलर का मतलब है आपकी साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगी प्लस आपके तीनों एंगल इक्वल होंगे। यहां पे हम लिख सकते हैं सो एज ऑल थ्री साइड्स ऑफ बोथ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इन portion, so triangle ABC similar to triangle PQR, similarity आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ABC और PQR आपके similar हो गए, then by similarity हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं by similarity, हमें यही तो prove करना था angle B angle Q के equal है, अब ABC PQR के similar है, so angle B is equals to angle Q। ठीक, काफी कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं एंड बट इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, ज्यादा कुछ हमें यहाँ पे इसके डेप्थ में नहीं जाना है फिर भी, ठीक है क्वेश्चन करना है तो करना है, दिस इज हाउ इट इज डन, दिस इज एग्जांपल नंबर टू। आगे के क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है जितना ये था, बस ये बीच में आ ही जाता है ऐसे। ठीक है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। We are moving to question number, example number 3. Okay, in the example number 3, A, B, C, 29, that is theta, that is 21. Okay, now, A, C, B, एक right angle triangle given है, right angle at C, that is 90 degree, okay. A, B, 29 given है, B, C, A given है, हमें यहाँ पे determine करना है, cos square theta plus sin square theta. Okay, the first thing that we need to find is cos square theta plus sin square theta. Okay, so first we need to find cos theta, then we need to find sin theta, then we need to put the value here. Okay, so the cos theta hum agar lenge, what is the cos? Base upon hypotenuse. So what is the base? सबसे पहले अगर हम आपको कहें कुछ भी करने से पहले हमें यह देखना होगा ट्रेंगल की तीनों साइड हमारे पास है या नहीं है। अगर हमारे पास केवल दो साइड है तो वी नीड टू फाइंड द थर्ड साइड। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, ए बी स्क्वायर, हमें क्या निकालना है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। सो परपेंडिकुलर क्या होता है आपका, अंडर रूट हाइपोथेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे, 29 स्क्वायर आ जाएगा आपका, 21 स्क्वायर आ जाएगा आपका यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया क्या यहाँ पे, हमने सबसे पहले आपका यहाँ पे
ए मतलब हाइपोथेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर क्या, दो तरीके हैं, इफ यू नो द आपके 29 और 21 का स्क्वायर देन यू कैन सॉल्व इट, अदरवाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ओके नाउ दैट इज अंडर रूट 8 इनटू 50 दैट इज 400 स्क्वायर रूट करके आया आपका 20 आ गया। नाउ कॉस थीटा निकालना है हमें, वो होता है बेस अपॉन हाइपोथेनियस दैट इज 21 अपॉन 29, साइन थीटा हमने निकालना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस दैट इज 20 अपॉन 29, हमने तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी 21 अपॉन 29 होल स्क्वायर 20 अपॉन 29 होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा हम कर क्या रहे हैं, हमने यहाँ पे जो कॉस था जो था बी अपॉन एच उसको यूज किया, जो साइन था जो था पी अपॉन एच उसको हमने यहाँ पे यूज किया एंड दैट विल बी देयर। ओके नाउ 21 441 2400 एंड दैट विल बी 800, 29 का स्क्वायर आपका आ रहा है 841। ओके नाउ इट इज द एलसीएम विल बी 841 हियर, 441 प्लस 400 दैट विल बी 841 अपॉन 841 एंड दैट विल बी फाइन। तो हमने यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिया है, उसकी वैल्यू आई है हमारी 1। आगे है आपका सेकंड जो पार्ट इसने कहा है वो है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, 21 अपॉन 29, साइन थीटा 20 अपॉन 29, सो दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ दैट वन। ओके दैट विल 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841, सो द एलसीएम विल बी द 841, इट विल बी 441 माइनस 400 एंड दैट विल बी 41 अपॉन 841। ये आया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियरली आपको समझ में आया होगा ये चीज़, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं इसके बाद। एग्जाम्पल नंबर 4 इसने कहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी सी राइट एंगल एट बी। इसने कहा है टेन ए इज इक्वल्स टू 1, टेन ए इज इक्वल्स टू 1। ओके हमें वेरीफाई करना है यहाँ पे आपका कि 2 साइन ए कोस है आपका 1 होता है। ओके लेट्स सी हाउ कैन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। नाउ 10 होता क्या है, 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो यहाँ पे हम इसको 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, 1k इनटू 1k अपॉन 1k लिख सकते हैं। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था ऐसा जिसमें आपके ऐसे ही कुछ गिवन था, एक और हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने थे, वहां पे भी हमने k यूज किया था रेशियो में, यहाँ पे भी हम k यूज। तो 10 होता है परपेंडिकुलर एंड बेस। सो अगर हम बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे जो थर्ड साइड है एंड द थर्ड साइड इज हाइपोथेनियस हियर, तो दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके अंडर रूट 1k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर दैट इज k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2k स्क्वायर, तो आएगा आपका k बाहर आ जाएगा k रूट 2। क्लियरली आया आपको समझ में ये चीज। हमने पूछा क्या गया था, 2 साइन ए कोस ए इक्वल्स टू 1। ओके तो 2 साइन ए कोस ए इक्वल्स टू 1, तो हम क्या करने वाले हैं, 2 साइन ए कोस ए इक्वल्स टू 1। ओके एक चीज हमसे शायद यहाँ पे गड़बड़, अगर हम आपको बताएं जो हम ठीक कर सकते हैं यहाँ पे, जब भी एक एंगल ए वगैरह गिवन हो ना, व्हाट यू नीड टू डू हियर इज उस एंगल को नीचे रखिए यहाँ पे बेस, ताकि हमारा ठीक से आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, ये हमें प्रूफ करना था, तो हम क्या करने वाले, टेकिंग LHS, LHS ले लीजिए 2 साइन ए इनटू कॉस ए। ओके 2 साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1k, हाइपोथेनियस की रूट 2k। कोस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोथेनियस, बेस हमारा है 1k एंड दैट इज रूट, हाइपोथेनियस इज रूट 2k। नाउ k से k आपका एलिमिनेट यहाँ पे हो गया है, 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2, सो रूट 2 इंटू रूट 2 दैट विल बी 2 अगेन, 2 अपॉन 2 ये आया आपका 1।
इज इट द RHS? जी, हमने ये निकाला है और हमारा ये निकल के आ गया है, दैट इज इक्वल्स टू RHS, यहाँ पे लिख सकते हैं हम आगे, हेंस प्रूव्ड. ओके, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा हुआ है, नाउ वी आर मूविंग टू द एग्जाम्पल नंबर 5. एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, इन अ ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, पी सॉरी राइट एंगल एट पी है, आगे इसने गिवन है ओ पी इज इक्वल्स टू 7, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1. हमें यहाँ पे साइन क्यू और कोस क्यू निकालना है. कैसे निकालेंगे, साइन क्यू और कोस क्यू निकालें. देखिए सर, हम क्या कर रहे हैं, हमें एक साइड गिवन है, बाकी दो साइड्स में से कुछ एक तो गिवन होना चाहिए ना. जब एक गिवन होगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा के हम निकाल सकते हैं आपकी थर्ड साइड. बट यहाँ पे उनमें से दोनों में से भी कुछ भी गिवन नहीं है, बट एक आपका एक रिलेशन दे दिया कि उन दोनों का डिफरेंस आपका 1 आता है. सो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे लेट पी क्यू को मैं एक्स ले लेता हूँ, ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओ क्यू माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, ओ क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, एंड पी क्यू कितना है आपका एक्स. आगे हमारी तीनों साइड्स आपके, अब क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, हमें तो पहले तीनों साइड निकालेंगे तभी हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल पाएंगे. तो हम तीनों साइड निकालने की कोशिश करेंगे. सो वी आर यूजिंग ए पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम. देखिए अब तक आपको पाइथागोरस थ्योरम अगर किसी बच्चे को याद भी नहीं तब तक हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, बार बार एक ही फॉर्मूला आपका लगातार यूज हो रहा है. सो हाइपोथेनस इज 1 प्लस एक्स, दैट विल बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज एक्स एंड बेस इज 7. नाउ ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, एक्स स्क्वायर प्लस 49, एक्स स्क्वायर 7 49. ओके, 1 एक्स स्क्वायर 2 एक्स, एक्स स्क्वायर 49. नाउ एक्स स्क्वायर आपके दोनों साइड सेम इक्वल्स टू के दोनों तरफ सेम साइन की चीज़ें कट जाती हैं, तो वो कब का कट गया, सो दैट विल बी 2x, 1 उधर जाके माइनस हुआ, 49 माइनस 1, 2x इक्वल्स टू 48, एक्स इक्वल्स टू 48 अपॉन 2, एंड कट करके आया ये 24. सो द वैल्यू ऑफ x इज 24. सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे किस चीज़ की, पी क्यू की, सो पी क्यू कितना आ जाएगा आपका x, दैट इज 24. और अगर हम बात करेंगे ओ क्यू की, यहाँ पे जो है 1 प्लस एक्स, वो आ जाएगा आपका 1 प्लस 24, दैट इज 25. सो दैट इज 25 द हाइपोथेनियस एंड द परपेंडिकुलर इज 24. हेयर इन द क्वेश्चन ही इज आस्किंग अस टू थिंग्स, द फर्स्ट थिंग इज साइन क्यू एंड द सेकेंड वन इज कॉस क्यू. तो अगर हमें साइन क्यू निकालना है, ओके, साइन क्यू हमारा कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान रखिएगा वापस वही चीज को, कि हमें क्या करना है, क्यू जब लेना है, ठीक है, तब हमें कुछ चीज चेंज करनी पड़ेगी. कैसे, साइन क्यू. नाउ तब ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, फिर ये बेस हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला परपेंडिकुलर होगा. ये जो एंगल होता है ना, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है. तो यहां पे साइन क्या होता है हमारा, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस. तो क्यू के सामने वाला कौन सा आया, ओपी, मतलब कि 7. हाइपोथेनस तो आपकी दोनों में सेम रहेगी, 7 अपॉन 25. देन कॉस क्यू कितना रहेगा, बेस अपॉन हाइपोथेनस. अगेन बेस क्या होगा, ये वाला हो जाएगा. नॉर्मली तो अगर हम ओ लेते हैं यहाँ पर को से, बेस ये होता, बट कॉस क्यू लेना है सर, तो बेस हमारा आ जाएगा 24, दैट विल बी 24 अपॉन 25. This is how we are going to solve example number 5. Moving to the exercise. Exercise number 8.1. Question number 1. क्या कहा जा रहा है आपको? There is a triangle ABC, right angle at B. ABC, right angle at B. AB is equals to 24 centimeter, BC is equals to 7 centimeter,
एंड यू नीड टू फाइंड द सम टर्म्स जो उसने वहाँ पे गिवन है, हम कैसे निकालेंगे। हमने कहा था सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमारे पास होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल की तीन साइड्स थी, तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोथेनस निकालना था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 476 वेट प्लस 49 अंडर रूट में आया आपका 625 एंड स्क्वायर रूट निकाल के आया आपका 20। ओके नाउ फर्स्ट पार्ट में से हमें जो पूछा था हम यहाँ पे कर रहे हैं साइन ए एंड कोस ए। साइन ए एंड ए बी आपका 24 था जी, ठीक है। ओके नाउ साइन ए और कोस ए, साइन ए साइन पे फॉर्मूला लगता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाला 7/25। हम अगर लिखना चाहें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोथेनियस लिख लीजिए पहले, फिर आप बी सी अपॉन ए सी लिख लीजिए, फिर आप 7/25 लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ए, तो कॉस ए कैसे आएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोथेनियस, अगेन द सेम थिंग, बेस यहाँ पे अब ये रहेगा ना, बेस ए के साथ तो बेस ये रहेगा, दैट इज ए बी अपॉन ए सी 24/20। साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी बताइए जरा क्या आ रहे हैं, साइन सी क्या, फॉर्मूला तो वही लगना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, सी के लिए परपेंडिकुलर ये रहेगा सामने वाला, सो यहाँ पे आ जाएगा 24/25। ऐसे ही जब हमें साइन सी तो निकल गया हमारा, जब हमें कोस सी निकालना होगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, बेस अपॉन हाइपोथेनियस, बेस क्या होगा ये बी सी दैट इज, एंड हाइपोथेनियस क्या होगा ए सी, तो ये आ जाएगा आपका 7/20। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज योर एग्जांपल नंबर 4। मूविंग टू द एक्सरसाइज, ओके नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 पी क्यू एंड आर 12 एंड 13। ओके नाउ हमें यहाँ पे क्या करना है आपका, वी नीड टू फाइंड 10p माइनस कोट आर। सो 10p माइनस की कुछ भी हमसे पूछ सकता है वो, ऐसी तो कोई बात नहीं है, 10p माइनस कोट आर पूछा है हमसे, कैसे करें। हमने बताया था ट्रायंगल की पहले तीनों साइड निकालिए, तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या नहीं, क्या मिसिंग है यहाँ पे, बेस, बेस इज इक्वल्स टू अंडर रूट हाइपोथेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सो बेस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर दैट इज 169 माइनस 144 अंडर रूट 25 एंड दैट इज 5। ओके अब हम 10p निकालेंगे, 10p 10 क्या होता है आपका, पहले 10p अलग से निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं 10p ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p के लिए परपेंडिकुलर क्या रहेगा qr, बेस क्या रहेगा pq, तो 5/12। जब हम cot r पूछ रहे हैं सो cot होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, r के लिए बेस क्या होगा हमारा qr और परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा पी क्यू 5/12। तो हमें यहाँ पे रखना है, तो 10p माइनस कोट आर 5/12 माइनस 5/12 ऑब्वियसली इट इज जीरो, 5/12 माइनस 5/12 जीरो हो। मूविंग ऑन
क्वेश्चन नंबर 3. नाउ साइन ए इज गिवन टू यू 3/4 एंड यू नीड टू फाइंड कोस ए एंड टेन ए. ओके, सो ये ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं जहाँ पे हमने पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके निकाले थे. ओके, क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे? सबसे पहले वी विल मेक अ ट्रायंगल हियर और यहाँ पर हम ले लेंगे के. साइन क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर एंड हाइपोथेनियस. सो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस क्या आएगी आपकी? अंडर रूट हाइपोथेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट 4k² माइनस 3k². ओके, दैट इज 16k² माइनस 9k² अंडर रूट 7k². के आपका बाहर आ जाएगा k√7. ओके, पूछा क्या गया था हमसे? अगर हम देखेंगे, हमसे पूछा गया था कोस ए और टेन ए. कोस ए, कोस क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोथेनियस. बेस इज k√7, हाइपोथेनियस इज 4k. के से के आपका गया √7/4. नेक्स्ट इज टेन ए. टेन क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है आपका? 3k. बेस है आपका k√7. के से के 3/√7. इस तरह से हमने किया क्वेश्चन नंबर 3. मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4. क्या कह रहा है आपका? 15 cot A इज इक्वल्स टू 8. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cot A इज इक्वल्स टू 8/15. सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया है आपका k and k. नाउ cot क्या होता है हमारा? cot होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. क्या होता है? बेस और परपेंडिकुलर. पहले हाइपोथेनियस निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोथेनियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ओके, 15k² प्लस 8k² 225k² प्लस 64k² अंडर रूट 982. वेट कीजिएगा. वेट, क्वेश्चन नंबर 4 में फिफ्टीन का आपका आता है 225, दैट इज 289, 17 × 17 समथिंग. यस, तो दैट विल बी 17 का आ जाएगा ये 17k. ओके, अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ पे. इन क्वेश्चन नंबर 4 ही इज आस्किंग साइन ए एंड sec ए. ए यहाँ पे ले लीजिएगा बी सी. साइन ए एंड sec ए. साइन क्या आएगा? साइन आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, दैट इज 15k/17k. That is 15/17. Sec A क्या आएगा? Sec हमारा आएगा hypotenuse upon base. That is 17k/8k. 17/8. This is question number 2. This is question number 3. This is question number 4. Okay. This is how we are going to solve this. Let's wait. Okay. Now. Moving forward. अगर हम यहां पे लाएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज
sec theta is equals to 13 upon 12 और हमें बाकी सारे आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो हमें निकालें. ओके, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे बिकॉज अभी हम आगे करेंगे, बट इन द नेक्स्ट, सो आई होप कि नेक्स्ट, द नेक्स्ट लेक्चर हम 8.1 में 8.2 कंप्लीट करा देंगे एंड इन द नेक्स्ट 8.3 एंड 8.4 की तरफ हम जाएंगे. लेट्स सी कि क्या होगा आपका. sec थीटा है आपका 13/4, में बाकी निकाल लें. sec क्या होता है आपका, sec होता है आपका बेस अपॉन हाइपोथेनियस. ओके, क्या करने वाले हैं हम, के ले लीजिएगा बेस 13 के, सॉरी एच अपॉन बी, 13 के अपॉन 12 के, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, हमें क्या परपेंडिकुलर निकालना है. परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइपोथेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, अंडर रूट 25 के स्क्वायर, दैट विल बी 5 के. साइन निकालना है हमने, कॉस निकालना है हमने, टेन निकालना है, कॉट भी निकालना है, कॉसेक भी निकालना है. अगर हम कोई आपसे पूछें कुछ निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूले याद हो जाए जी, सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो जैसे वो 13/12 था, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/sec θ, तो ये आ जाएगा 12/13. ठीक है, साइन निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस जो है आपका 5k/13k, 5/13. इसी तरह से कोसेक क्या हो जाता है, 1/sin हो सकता है आपका, तो वो आ जाएगा 13/10 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 5k एंड बेस इज 12k, सो दैट विल बी 5/12. सिमिलरली कोट आ जाएगा 1/10θ, 12/5. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व. लास्ट में हमने यहाँ पे करना चाहे तो इनको फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते थे, बट हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको आगे की वो चीज़ें याद हो जाएं कि वो किसका रेसिप्रोकल होता है या क्या होता है. ठीक है, सो बेसिक एक इंट्रोडक्शन हमें मिला ट्रिग्नोमेट्री का, नॉट सो हार्ड नॉट सो ईजी, इट इज़ समहाउ बीच में ही चैप्टर आपका रहेगा. बट अगर हम यहाँ पे एक चीज़ बताएं आपको, अगर आपने इसके पहले जो कॉन्सेप्ट्स हम अभी कर रहे हैं इनको अच्छे से समझ लिया, तो आगे के कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा है, एक पूरा चैप्टर इसके बेस पर है. तो अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आगे वो समझना ही है, नेक्स्ट क्लासेज में भी आपका रहेगा इफ़ यू टेकिंग द मैथ्स. सो फोकस करना है हमें चैप्टर पे, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड. डाउट्स कमेंट्स में वेलकम है आपके. साथ में आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक डू शेयर डू सब्सक्राइब सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो वॉच द वीडियो एंड वी कैन ऑल्सो रीच अवर गोल्स. ओके, सो यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट आया, हल्का सा भी कोई डाउट आया, कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा कि वट आर द डाउट्स. बाकी आपको वीडियो लगा अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.